स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो, बी नाट्य नाटक सम्मान, सी अकादमी पुरान, डी संगीत नाटक रत्न। आंसर ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो। एक्सप्लेनेशन: संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है, जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दी जा सकती है। अगला प्रश्न: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? ए LVM3, बी गगनयान, सी आदित्य 1, डी चंद्रयान। आंसर बी गगनयान। एक्सप्लेनेशन: भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ खगोलीय वाहन है। गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। अगला प्रश्न: किंग चार्ल्स 3 के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सुनील भारती मित्तल, डी सचिन तेंदुलकर। आंसर सी सुनील भारती मित्तल। एक्सप्लेनेशन: भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न: दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर डी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। ये घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न: चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ए गृह मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी शिक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। आंसर बी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: 2018 से 2022 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए के साथ सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई। अगला प्रश्न: हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ए पेरू, बी अर्जेंटीना, सी केन्या, डी चिली। आंसर डी चिली। एक्सप्लेनेशन: दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। पेरू के 25 क्षेत्रों में से 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में एक देश है। इसकी राजधानी लिमा है। अगला प्रश्न: लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले किसे अपना उप कप्तान बनाया है? ए आवेश खान, बी कृणाल पंड्या, सी निकोलस पुरन, डी रवि बिश्नोई। आंसर सी निकोलस पुरन। एक्सप्लेनेशन: लखनऊ सुपर जायंट्स ने IPL 2024 से पहले निकोलस पुरन को अपना उपकप्तान बनाया है। इससे पहले कृणाल पंड्या टीम के उपकप्तान थे। टीम के कप्तान KL राहुल ने एक इवेंट में पुरन को 29 नंबर वाली उपकप्तान की जर्सी सौंपी। त्रिनिदाद के क्रिकेटर पुरन विश्व स्तर पर T20 फॉर्मेट के एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगला प्रश्न: T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? ए जान निकोल लॉफ्टी ईटन, बी डेविड मिलर, सी रोहित शर्मा, डी कुशल मल्ला। आंसर ए जान निकोल लॉफ्टी ईटन।
एक्सप्लेनेशन, नामीबियाई क्रिकेटर जान निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की। अगला प्रश्न, सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आंसर, सी नेपाल। एक्सप्लेनेशन, नेपाल में 1 से 10 मार्च तक आयोजित होने वाले सेफ अंडर 16 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारत के मुख्य कोच बीबी थॉमस मुताह ने 23 टीम सदस्यीय का ऐलान कर दिया है। भारत ने 2018 और 2019 में अंडर 15 प्रारूप में जीत दर्ज की थी। दोनों बार भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पहली बार टूर्नामेंट अंडर 16 प्रारूप में खेला जा रहा है। NUCFDC का क्या मतलब है? ए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, बी सहकारी वित्तीय विकास निगमों का राष्ट्रीय संघ, सी राष्ट्रीय एकीकृत सहकारी वित्त और विकास निगम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, ए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम। एक्सप्लेनेशन, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की शुरुआत की। NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। NUCFDC का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? ए जौनपुर में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना, बी ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, सी औद्योगिक विकास के लिए राजमार्गों का निर्माण करना, डी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। आंसर, डी जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखी। धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जुड़ेगा। अगला प्रश्न, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी हरियाणा। आंसर, सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावरचिप ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धोलेरा गुजरात में की जाएगी। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ए 100 करोड़, बी 150 करोड़, सी 250 करोड़, डी 350 करोड़। आंसर, बी 150 करोड़। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें दुनिया के 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय भारत में होगा। सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसी 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, लोगों विशेषकर महिलाओं को सार्वजनिक शौचालय ढूंढने में मदद करने के लिए रेकी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? ए हाइड्रोजन लोकेटर, बी पिंक टॉयलेट लोकेटर, सी हापिक लोकेटर, डी हाइजीन प्लस फाइंडर। आंसर, सी हापिक लोकेटर। एक्सप्लेनेशन, शौचालय की स्वच्छता से जुड़े उत्पाद बनाने वाले भारत के अग्रणी ब्रांड रेकिट ने सभी लोगों और सबसे खासतौर पर महिलाओं तक सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक इनोवेटिव ऐप आधारित समाधान हापिक लोकेटर लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐप यूजर्स को पानी, साबुन, टिश्यू पेपर, सफाई और प्रकाश जैसी सुविधाओं के आधार पर शौचालयों को रेटिंग देने में भी मदद करता है। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान उत्सव 2024 क्या है? ए एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, बी एक फूड कार्निवल, सी एक शानदार फूल उत्सव, डी एक संगीत समारोह। आंसर, सी एक शानदार फूल उत्सव। एक्सप्लेनेशन, उद्यान उत्सव 2024 अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जनता के लिए खुला है। अब पर्यटक सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? ए लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, बी अवैध वन्यजीव व्यापार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सी वन्य जीवन की सुंदरता का जश्न मनाना, डी जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज। आंसर, ए लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। एक्सप्लेनेशन,
3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में नामित करने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसकी शुरुआत थाईलैंड द्वारा दुनिया के जंगली जीवों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का विषय लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज है। अगला प्रश्न, डेव कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना। बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। सी, राजनयिक व्यस्तताओं को सुविधाजनक बनाना। डी, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। आंसर, बी, स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में डेव कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया। डेव कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। डेव कनेक्ट का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक परिवर्तनकारी मंच तैयार करना है, और यह रक्षा क्षेत्र में देश के अग्रणी उद्योगों से बड़ी संख्या में नवप्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। अगला प्रश्न, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ए, यूनाइटेड किंगडम। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, कनाडा। डी, फ्रांस। आंसर, डी, फ्रांस। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये संशोधन फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न, ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। बी, उर्वरकों के लिए सब्सिडी प्रदान करना। सी, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना। डी, जैविक खेती को बढ़ावा देना। आंसर, ए, किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। एक्सप्लेनेशन, ई किसान उपज निधि पहल प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की भंडारण व्यवस्था को आसान बनाएगी और किसानों को उनके उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करेगी। नई इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। बी, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। सही। सी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। डी, भुगतान एग्रीगेटर्स PA। आंसर, ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। ये व्यापारियों के लिए पैसों के तुरंत निपटान की सुविधा देगा। अगला प्रश्न, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? ए, एस्प्लेनेड। बी, हावड़ा मैदान। सी, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। डी, साल्ट लेक सेक्टर V। आंसर, सी, हावड़ा मेट्रो स्टेशन। एक्सप्लेनेशन, कोलकाता में 6 मार्च को भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। मेट्रो रेलवे कोलकाता के रेक नंबर MR 612 ने एस्प्लेनेड से हुगली नदी के नीचे हावड़ा मैदान तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। हुगली नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जलस्तर से 32 मीटर नीचे तक फैली हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए, आसिफ अली जादारी। बी, शहबाज शरीफ। सी, इमरान खान। डी, नवाज शरीफ। आंसर, बी, शहबाज शरीफ। एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्ष 2022 के बाद श्री शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। रविवार को नेशनल असेंबली में 201 वोट हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को हराया, जिन्हें PTI का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए, देहरादून। बी, ऋषिकेश। सी, श्रीनगर। डी, शिमला। आंसर, डी, शिमला। एक्सप्लेनेशन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर सुन्नी के निकट सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ए, झारखंड। बी, तमिलनाडु। सी, मेघालय। डी, बिहार। आंसर, ए, झारखंड। एक्सप्लेनेशन, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ए. वैष्णव पिचाई, बी. यतिन भास्कर दुग्गल, सी. ओम बिरला, डी. कनिष्क शर्मा। आंसर, बी. यतिन भास्कर दुग्गल। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार हासिल किया, जबकि तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ए. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। बी. केवल संगीत, सी. साहित्य, डी. केवल नृत्य। आंसर, ए. संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्र। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए। अगला प्रश्न, भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी कौन बने हैं? ए. रविंद्र जडेजा, बी. विराट कोहली, सी. रोहित शर्मा, डी. रविचंद्रन अश्विन। आंसर, डी. रविचंद्रन अश्विन। एक्सप्लेनेशन, रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के दौरान हासिल की। साल 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले अश्विन 100 टेस्ट मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। रविचंद्रन अश्विन के अलावा इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो भी इंग्लैंड के लिए अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? ए. कवारत्ती, बी. चेतलाट द्वीप, सी. मिनिकॉय द्वीप, डी. अगत्ती द्वीप। आंसर, सी. मिनिकॉय द्वीप। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना ने लक्षद्वीप के कवारत्ती में INS द्वीपरक्षक की स्थापना की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने लक्षद्वीप में दूसरे नौसैनिक अड्डे का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? ए. भूटान, बी. मिस्र, सी. पाकिस्तान, डी. इराक। आंसर, बी. मिस्र। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी काहिरा है और यहाँ की मुद्रा मिस्र पाउंड है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख क्या है? ए. 21 जून, बी. 1 मई, सी. 15 अप्रैल, डी. 8 मार्च। आंसर, डी. 8 मार्च। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और सम्मान देने के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? ए. साहित्य महोत्सव, बी. कथोत्सव, सी. साहित्योत्सव, डी. काव्योत्सव। आंसर, सी. साहित्योत्सव। एक्सप्लेनेशन, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य जगत के 1100 से अधिक लेखक और विद्वान भाग लेंगे। इसके अलावा 175 भाषाओं के भाषाविद व कार्यक्रम में अपनी भाषाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ए. राज्यवर्धन सिंह राठौर, बी. सुधा मूर्ति, सी. अजय सिन्हा, डी. उदय कोटक। आंसर, बी. सुधा मूर्ति। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. जैसलमेर, बी. अल्मोड़ा, सी. उधमपुर, डी. श्रीनगर। आंसर, ए. जैसलमेर।
एक्सप्लेनेशन, भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न, सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? ए यूएई, बी ब्राजील, सी स्वीडन, डी अल्बानिया। आंसर, सी स्वीडन। एक्सप्लेनेशन, यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांसअटलांटिक सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य बन गया है। यूक्रेन पर रूस के 2022 के आक्रमण के बाद यूरोप में रूसी आक्रामकता के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने इस बात की घोषणा की है। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए वर्ल्ड बैंक, बी बैंक इंडोनेशिया, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर, बी बैंक इंडोनेशिया। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया बीआई ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? ए लक्ष्य सेन, बी कुंडलभूत विजेतसान, सी चिराग शेट्टी, डी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। आंसर, ए लक्ष्य सेन। एक्सप्लेनेशन, दुनिया के 19वें नंबर के भारतीय शटल खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने सनसनीखेज वापसी करते हुए 8 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग के रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लो की न्यू को हराकर टूर्नामेंट के पुरुष एकल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? ए जर्मनी, बी रूस, सी यूएसए, डी फ्रांस। आंसर, सी यूएसए। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमरीकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। ये संयुक्त अभ्यास 9-10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? ए केन्या, बी अर्जेंटीना, सी चिली, डी पनामा। आंसर, डी पनामा। एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल हो गया है। पनामा आईएसए का 97वां सदस्य देश बना है। आईएसए की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया? ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। आंसर, बी अश्विनी वैष्णव। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया। नीति फॉर स्टेट्स एक क्रॉस सेक्टोरल नॉलेज प्लेटफॉर्म है जिसे नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी, जल संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वॉश रणनीति सहित 10 क्षेत्रों के ज्ञान उत्पाद शामिल हैं। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला? ए खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए, बी स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, सी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज के सफल कार्यान्वयन के लिए, डी जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए। आंसर, ए खसरा और रुबेला के मामलों को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति के लिए। एक्सप्लेनेशन, भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को ये पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। वाशिंगटन DC स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन 9 मार्च से 23 मार्च तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी राष्ट्रीय पोषण संस्थान, सी नीति आयोग, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पोषण भी पाई भी पोषण और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित आहार प्रथाएं इन आयोजनों का विषय होंगी।
इनमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाजरा और पोषण वाटिकाओं को प्रोत्साहित करके सतत खाद्य प्रणालियों को लागू करना और मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण को बढ़ाना शामिल है। अगला प्रश्न, पशु तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? ए जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी दिल्ली। आंसर ए जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन, मवेशी तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे के मास्टरमाइंड को भी पकड़ना है। अगला प्रश्न, दूरसंचार विभाग 20 मई को कितने बैंड की नीलामी करेगा? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर डी 8। एक्सप्लेनेशन, दूरसंचार विभाग 20 मई को 8 बैंड की नीलामी करेगा। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 96,317.65 करोड़ रुपए के आधार मूल्य पर 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। फरवरी में केंद्रीय कैबिनेट ने इन नीलामियों को मंजूरी दी थी। 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को नीलामी में रखा जाएगा। स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक कंपनियां 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। कुल 10,523.8 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आंसर सी कर्नाटक। एक्सप्लेनेशन, कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया। ये भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र केंद्र होगा। ये केंद्र उद्योग अकादमिक नेटवर्क स्थापित करने और तकनीकी रुझानों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 मार्च, बी 12 मार्च, सी 15 मार्च, डी 20 मार्च। आंसर ए 10 मार्च। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। CISF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जिसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। CISF भारत की औद्योगिक संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? ए अमेरिकन फिक्शन, बी ओपेनहाइमर, सी बाबी, डी आप कैसे रहते हैं। आंसर बी ओपेनहाइमर। एक्सप्लेनेशन, 3 घंटे की सीरियस बायोपिक हॉलीवुड मूवी ओपेनहाइमर ने पहले तो बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित रूप से अरबों डॉलर की कमाई की, अब वह 7 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई। इस मूवी ने बेस्ट मूवी, बेस्ट निर्देशन और बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी सिलियन मफी को मिली। अगला प्रश्न, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? ए यान पोहवान और ली जे ह्यूई, बी केंटो मोमोता और हिरोयुकी एंडो, सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, डी केविन संजय सुकामलजो और मार्कस फर्नाल्डी गिदोन। आंसर सी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। एक्सप्लेनेशन, भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 10 मार्च 2024 को पेरिस में चीनी ताइपे के ली जे ह्यूई और यांग पोहुआन की जोड़ी को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-11, 21-17 से हराकर सीजन का पहला खिताब और अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। इस भारतीय जोड़ी ने इससे पहले 2022 में इस खिताब को जीता था। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिकोवा किस देश की है? ए लेबनन, बी फिनलैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी चेक रिपब्लिक। आंसर डी चेक रिपब्लिक। एक्सप्लेनेशन, 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजिकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी, वही लेबनन की यास्मीना फर्स्ट रनअप रही। इस पेजेंट में 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनसिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। अगला प्रश्न, 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए नीता अम्बानी, बी माधुरी दीक्षित ने, सी स्मृति ईरानी, डी जया बच्चन। आंसर ए नीता अम्बानी। एक्सप्लेनेशन, 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अम्बानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
नीता को ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। नीता अंबानी को ये पुरस्कार उनके परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA का उद्देश्य क्या था? एक, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना। बी, पड़ोसी देशों के सभी प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना। सी, विशिष्ट देशों से आप्रवासन को प्रतिबंधित करना। डी, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना। आंसर ए, एक्सप्लेनेशन। 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के कार्यान्वयन के संबंध में एक घोषणा की। यह विकास विवादास्पद कानून के शुरू में पारित होने के 4 साल बाद आया है और इसका भारत में प्रवासियों की कुछ श्रेणियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। CAA का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। अगला प्रश्न, अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया? ए, नासा। बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डी, स्पेसएक्स। आंसर सी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO। एक्सप्लेनेशन, 11 मार्च 2024 को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र नामक परियोजना के तहत अपनी स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह उन्नत मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वी एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है तथा यह 1 टन से अधिक वजन का परमाणु हथियार ले जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में 1 मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? ए, चित्रा। बी, गामिनी। सी, लैला। डी, गौरी। आंसर बी, गामिनी। एक्सप्लेनेशन, मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका की मादा चीता गामिनी ने 10 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही देश में अब कुल 26 चीते हो गए हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए, अतुल प्रधान। बी, भूपेंद्र यादव। सी, बंदारू दत्तात्रेय। डी, नायब सैनी। आंसर डी, नायब सैनी। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है। मंगलवार को मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ए, गुजरात। बी, अरुणाचल प्रदेश। सी, हिमाचल प्रदेश। डी, मध्य प्रदेश। आंसर ए, गुजरात। एक्सप्लेनेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? ए, भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक योग और ध्यान कार्यक्रम। बी, अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान। सी, भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार। डी, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। आंसर डी, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास। एक्सप्लेनेशन, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन किया। इस अभ्यास ने आत्मनिर्भरता अभियान के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा हथियारों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना, नौसेना और वायुसेना की एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, फ्लाई 91 क्या है? ए, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। बी, एक प्रकार का पक्षी। सी, एक काल्पनिक सुपरहीरो। डी, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। आंसर ए, एक नई क्षेत्रीय एयरलाइन। एक्सप्लेनेशन, 12 मार्च 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई 91 का उद्घाटन किया। मंत्री ने गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे MOPA और लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच अपनी पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ए, ईरान। बी, पाकिस्तान। सी, भारत। डी, चीन। आंसर सी, भारत।
एक्सप्लेनेशन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सिपरी स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। अगला प्रश्न। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहां रखी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी पंजाब, डी राजस्थान। आंसर बी गुजरात। एक्सप्लेनेशन। पीएम मोदी ने धोलेरा गुजरात में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी। ये भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेपर स्टॉक प्रति माह होगी। अगला प्रश्न। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर बी गुजरात। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसनपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जीराइक के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ए मार्च का पहला सोमवार, बी मार्च का दूसरा गुरुवार, सी मार्च में एक यादृच्छिक दिन, डी मार्च का आखिरी शुक्रवार। आंसर डी मार्च का दूसरा गुरुवार। एक्सप्लेनेशन। लोगों में किडनी के स्वास्थ्य और इसके सामान्य कार्य को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च 2024 का विषय है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य। अगला प्रश्न। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH का उद्देश्य क्या है? ए सैन्य परिवहन, बी समुद्री निगरानी, सी माल परिवहन, डी यात्री परिवहन। आंसर ए सैन्य परिवहन। एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2024 को 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH और भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्री उद्देश्यों के लिए 9 ALH प्राप्त करने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया गया है। अगला प्रश्न। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ए सुखबीर संधु, बी ज्ञानेश कुमार, सी राजीव सिन्हा, डी ए और बी दोनों। आंसर डी ए और बी दोनों। एक्सप्लेनेशन। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मुहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। अगला प्रश्न। भारत के पहले एलिवेटेड 8-लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। आंसर सी नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8-लेन एक्सेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ए त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर डी अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। ये सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा ALC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सेला सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? ए राजनीतिक दलों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान, बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव,
सी चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले राजनीतिक दलों की संख्या को सीमित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन, डी सभी राज्यों में मतदान के लिए राष्ट्रीय अवकाश, आंसर बी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव। एक्सप्लेनेशन, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक रिपोर्ट सौंपी। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्राथमिक लाभ चुनाव कराने की लागत में कमी होगी और प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ए 75, बी 78, सी 125, डी 134। आंसर डी 134। एक्सप्लेनेशन, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक HVI में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर हैं। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ए वी डेम संस्थान, बी UNDP, सी नीति आयोग, डी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आंसर ए वी डेम संस्थान। एक्सप्लेनेशन, वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मेट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। वी डेम इंस्टीट्यूट वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की स्थापना 2014 में स्टाफेन लिंडबर्ग द्वारा की गई थी। स्टाफेन लिंडबर्ग एक स्वीडिश राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं? ए 80, बी 90, सी 99, डी 102। आंसर डी 102। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में कुल 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही है। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर PM नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ए विदर्भ, बी बिहार, सी मुंबई, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी मुंबई। एक्सप्लेनेशन, मुंबई ने वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया? ए उनके स्टॉक ट्रेडिंग संचालन के बारे में चिंताओं के कारण, बी गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण, सी ऋणों पर उनकी उच्च ब्याज दरों के कारण, डी उनकी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के कारण। आंसर बी गैर अनुपालन मुद्दों और पर्यवेक्षी पर चिंताओं के कारण। एक्सप्लेनेशन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का RBI का निर्णय गैर अनुपालन मुद्दों पर चिंताओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में संभावित भागीदारी और असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निर्देश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 15 मार्च से जमा स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन संसाधित करने जैसी सेवाएं रोक दी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? ए आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना, बी गुमनाम रूप से आपराधिक गतिविधियों की रिपोर्ट करना, सी नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना, डी लापता व्यक्तियों का पता लगाना। आंसर सी नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना। एक्सप्लेनेशन, NCRB द्वारा लॉन्च किए गए संकलन मोबाइल ऐप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। ये देश के नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन भी करेगा। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च, डी 16 मार्च। आंसर सी 15 मार्च। एक्सप्लेनेशन, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। आंसर ए तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, ये तमिलनाडु सरकार की एक बड़ी योजना है। नींगल नालामा योजना मार्च 2024 में तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकार का अपनी सेवाओं में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि उसके कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ए असम, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आंसर डी छत्तीसगढ़। एक्सप्लेनेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदन योजना शुरू की है। इस बहुचर्चित स्कीम को महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी ओडिशा। आंसर ए तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, ट्रैफिक वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण और WWF इंडिया के नए विश्लेषण के अनुसार भारत में शार्क का अवैध व्यापार बढ़ रहा है। जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 तक देश में लगभग 16,000 किलो शार्क के पंख जब्त किए गए, जिसमें तमिलनाडु में ऐसी घटनाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का स्थान रहा। रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में शार्क से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में चेतावनी देना और खतरों व संरक्षण संबंधी चिंताओं को उजागर करना है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय कहां स्थापित किया है? ए चेन्नई, बी गोवा, सी दिल्ली, डी कोची। आंसर सी दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। ये दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना का नया अत्याधुनिक मुख्यालय है। नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया है। नौसेना पहले 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी। अगला प्रश्न, 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक किस पार्टी को 6060 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले हैं? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी बीजू जनता दल, सी तृणमूल कांग्रेस, डी भारतीय जनता पार्टी। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी। एक्सप्लेनेशन, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 6060 करोड़ रुपए के, तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1422 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल को 775 करोड़ रुपए, डीएमके को 639 करोड़ रुपए, एआईडीएमके को 6.05 करोड़ रुपए और आम आदमी पार्टी को 66 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले, जबकि भारत राष्ट्र समिति BRS को नकदी 1214 करोड़ रुपए मिला। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 1999। आंसर सी 1995। एक्सप्लेनेशन, भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। टीकाकरण दिवस का उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और संक्रामक रोगों के प्रसार को कैसे रोका जाना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय है, टीके सभी के लिए काम करते हैं। ये दिन पहली बार 1995 में मनाया गया था, जिस वर्ष भारत ने अपना पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था। अगला प्रश्न, फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए महमूद अब्बास, बी मोहम्मद मुस्तफा, सी मोहम्मद शतेह, डी मोहम्मद शहबाज। आंसर बी मोहम्मद मुस्तफा। एक्सप्लेनेशन, मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मुस्तफा को नियुक्त किया है। मुस्तफा ने प्रधानमंत्री मोहम्मद शतेह का स्थान लिया। अपनी सरकार के साथ PM मोहम्मद शतेह ने फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। फिलिस्तीनी प्राधिकरण PA की स्थापना 30 साल पहले ओस्लो समझौते नामक अंतरिम शांति समझौते के तहत की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर सी 7। एक्सप्लेनेशन, 16 मार्च 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आम चुनाव 2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। साथ ही उन्होंने 4 राज्यों ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
अगला प्रश्न। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है? ए शीतल देवी, बी प्रमोद भगत, सी अवनी लखेरा, डी ज्ञानेश कुमार। आंसर ए शीतल देवी। एक्सप्लेनेशन: पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है। अगला प्रश्न। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? ए यूपी वॉरियर्स, बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी मुंबई इंडियंस, डी दिल्ली कैपिटल्स। आंसर बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। एक्सप्लेनेशन: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग WPL के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिसे पेरी RCB और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल RCB ने जीता। अगला प्रश्न। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ए नीतीश कुमार, बी एस जयशंकर, सी रामनाथ कोविंद, डी रतन टाटा। आंसर डी रतन टाटा। एक्सप्लेनेशन: टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न। तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस राज्य की राज्यपाल थी? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। आंसर सी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन: तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने अपने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सौंदर्यराजन ने तेलंगाना राज्य की दूसरी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए व्लादिमीर पुतिन, बी दिमित्री मेदवेदेव, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी अलेक्सी नवलनी। आंसर ए व्लादिमीर पुतिन। एक्सप्लेनेशन: व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड 5वां कार्यकाल हासिल किया है। चुनाव 15 से 17 मार्च 2024 तक हुआ। इस चुनाव में पुतिन को रिकॉर्ड 87% वोट मिले। इसके पहले के चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। पुतिन अब 2030 तक रूसी राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न। प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी सरस्वती सम्मान, सी व्यास सम्मान, डी साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंसर बी सरस्वती सम्मान। एक्सप्लेनेशन: प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी मलयालम भाषा की उपन्यास रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? ए टोक्यो, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी बीजिंग। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: स्विस संगठन IQA रिपोर्ट 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को 2018 से लगातार 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। वहीं बिहार का बेगूसराय दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा तथा भारत 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में से तीसरी सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा। 2022 में भारत को 8वें सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया था। अगला प्रश्न। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? ए असम, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ DGP मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? ए कनाडा, बी USA, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आंसर बी
यूएसए। एक्सप्लेनेशन: भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्री सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सैन्य अभ्यास टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हब फेज 18 से 25 मार्च 24 तक निर्धारित है। नेपाल के किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ए विराटनगर, बी पोखरा, सी भरतपुर, डी बीरगंज। आंसर: बी पोखरा। एक्सप्लेनेशन: अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को आधिकारिक तौर पर हिमालयी राष्ट्र की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। ये घोषणा 17 मार्च को फेवा झील के तट पर बाराही घाट पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के उपस्थिति में की गई। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाने वाला पोखरा लंबे समय से नेपाल में एक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता रहा है। अगला प्रश्न: स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी मुंबई। आंसर: सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मनपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ ने प्रमुख निवेशकों, नवप्रवर्तकों और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आकर्षित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप्स के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। अगला प्रश्न: वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी जर्मनी, डी डेनमार्क। आंसर: ए फिनलैंड। एक्सप्लेनेशन: वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह ही 126वें स्थान पर बरकरार है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर और श्रीलंका 128वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 23वें स्थान पर है। अगला प्रश्न: हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी समुद्रीय सुरक्षा, सी साइबर सुरक्षा, डी मलेरिया रोग। आंसर: मलेरिया रोग। एक्सप्लेनेशन: हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ाना है। याउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। अगला प्रश्न: माजुली मास, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी बिहार, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आंसर: ए असम। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। GI टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान करने के लिए किया जाता है। IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स CSK का नया कप्तान किसे चुना गया है? ए ऋतुराज गायकवाड़, बी दीपक चाहर, सी अजिंक्य रहाणे, डी रविंद्र जडेजा। आंसर: ए ऋतुराज गायकवाड़। एक्सप्लेनेशन: इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के ओपनिंग मैच से पहले CSK ने अपनी कप्तानी में बदलाव की घोषणा की। महान कप्तान MS धोनी ने ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपते हुए अपना पद छोड़ दिया। अगला प्रश्न: विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। आंसर: सी 21 मार्च। एक्सप्लेनेशन: दुनिया में लोगों को वनों और पेड़ों के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2012 में विश्व वानिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। विश्व वानिकी दिवस 2024 का थीम वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड है। अगला प्रश्न: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया है? ए आवेदकों की कमी के कारण, बी आम चुनाव के कारण, सी महामारी के कारण, डी प्रशासनिक मुद्दों के कारण। आंसर: बी आम चुनाव के कारण।
एक्सप्लेनेशन। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। परीक्षा 26 मई 2024 को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मार्च, बी 20 मार्च, सी 21 मार्च, डी 22 मार्च। आंसर, बी 20 मार्च। एक्सप्लेनेशन, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ये नेचर फॉरएवर सोसाइटी भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस के मिले जुले प्रयास के कारण मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस का उद्देश्य गौरैया की आबादी में कमी और उनके संरक्षण की आवश्यकता के मुद्दों को प्रकाश में लाना है। चूंकि गौरैया मनुष्य के इर्द गिर्द रहना पसंद करती है, इसीलिए गौरैया की संख्या में लगातार कमी एक चेतावनी है कि प्रदूषण और रेडिएशन प्रकृति और मानव के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम आई लव स्पैरो है। अगला प्रश्न, हाल ही में फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। आंसर, सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में फूलों से मनाया जाता है। ये चैत्र संक्रांति अष्टमी से लेकर अप्रैल वाली बैसाखी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों खासतौर पर फ्योली और बुरांस के फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसे करते हुए बच्चे हर घर तक जाते हैं और पूरे गांव सजा देते हैं। इस दिन भोगा देवी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाती है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च, डी 24 मार्च। आंसर, बी 22 मार्च। एक्सप्लेनेशन, विश्व में मीठे जल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1992 में एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस घोषित किया गया। साल 1992 में रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एजेंडा 21 के तहत विश्व जल दिवस का पहला औपचारिक प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए शरद कमल, बी नीरज चोपड़ा, सी मनिका बत्रा, डी सौरभ चौधरी। आंसर, ए शरद कमल। एक्सप्लेनेशन, खेल रत्न पुरस्कार विजेता और दो बार के कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। शरद कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजवाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने बतौर ध्वजवाहक भारत का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए समर्थ, बी आकाश, सी सखी, डी मदद। आंसर, सी सखी। एक्सप्लेनेशन, तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। अगला प्रश्न, पशुपति कुमार पारस के इस्तीफा के बाद खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए स्मृति ईरानी, बी अनुराग ठाकुर, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी किरण रिजिजू। आंसर, डी किरण रिजिजू। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। अगला प्रश्न, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की, इसे क्या नाम दिया गया है? ए पुष्पक, बी सार्थक, सी विक्रम, डी आकाशयान। आंसर, ए पुष्पक। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कर्नाटक के चेलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से पुष्पक नामक अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। यह RLV का तीसरा लैंडिंग मिशन था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? ए ड्रुक ग्यालपो का आदेश, बी हिमालय का क्रम, सी ड्रैगन का आदेश, डी भूटान का आदेश।
आंसर ए ग्रुप ग्यालपो का आदेश। एक्सप्लेनेशन, भूटान के राजा ने 22 मार्च 2024 को थिम्पू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्यालपो से सम्मानित किया। अगला प्रश्न, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 25 मार्च। आंसर बी 23 मार्च। एक्सप्लेनेशन, 23 मार्च 1931 को तीन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई। इतिहास की इस बड़ी घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। आंसर डी नागालैंड। एक्सप्लेनेशन, नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर खेलों की शुरुआत की घोषणा की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3,000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमोकेदिमा, दिमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगला प्रश्न, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? ए गंगा, बी राहत, सी इंद्रावती, डी मैत्री। आंसर सी इंद्रावती। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इसके तहत गुरुवार देर रात 12 लोगों को कैरेबियाई द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। हैती में 23 दिनों से हिंसा जारी है, सड़कों पर लाशें बिछी हैं। 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपी तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की अज्ञात हमलावरों ने उनके आधिकारिक आवास पर हत्या कर दी थी। तब से कैरेबियाई राष्ट्र हैती 2 वर्षों से अधिक समय से व्यापक गिरोह हिंसा से त्रस्त है। अगला प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ए अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी। बी भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। सी भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया। डी शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार। आंसर बी भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। एक्सप्लेनेशन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। ईडी ने अदालत में कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं तथा कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल हैं। इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत ली गई, जिसे आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया, जिसके मुख्य निर्णयकर्ता केजरीवाल हैं। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 25 मार्च। आंसर सी 24 मार्च। एक्सप्लेनेशन, टीवी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। ये वह दिन है जब 1882 में टीवी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की गई थी। विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय था, हम टीवी खत्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 20 मार्च को जारी एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का सौर कचरा 2030 तक कितना किलोटन तक पहुंच सकता है? ए 300, बी 400, सी 500, डी 600। आंसर डी 600। एक्सप्लेनेशन, 20 मार्च को जारी एक नए अध्ययन के अनुसार भारत का सौर कचरा 2030 तक 600 किलोटन तक पहुंच सकता है, जो 720 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल को भरने के बराबर है। इस कचरे का लगभग 67% हिस्सा 5 राज्यों राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आएगा। अगला प्रश्न, 2024 में लोकतंत्र सम्मेलन के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। आंसर बी दक्षिण कोरिया। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण कोरिया ने 18-20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा सत्तावाद से लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के पहले इंडो एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी कर्नाटक। आंसर ए उड़ीसा। एक्सप्लेनेशन: उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर में एक नए इंडोर गोताखोरी केंद्र की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री के अनुसार नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी बाधा के भय के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेगी। अगला प्रश्न: कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित दो डोनियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहा है? ए आर्मेनिया, बी गुयाना, सी इंडोनेशिया, डी सिंगापुर। आंसर बी गुयाना। एक्सप्लेनेशन: गुयाना भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित दो डोनियर 228 विमानों का अधिग्रहण करेगा। गुयाना के वित्त मंत्री और एक्जिम बैंक के डिप्टी GM के बीच शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। HAL डोनियर 228 विमान शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग STOL के लिए आदर्श हैं, जो गुयाना के इलाके के लिए उपयुक्त हैं। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। आंसर ए बिहार। एक्सप्लेनेशन: बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया गया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश रहता है। पहली बार बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। ये बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में ही हुआ था। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? ए यूक्रेन, बी अमेरिका, सी भारत, डी ऑस्ट्रिया। आंसर बी अमेरिका। एक्सप्लेनेशन: मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल अमेरिका ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि सुअर की किडनी किसी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। इसके अलावा दो पुरुषों को पिग हॉर्न ट्रांसप्लांट सुअरों से हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, हालांकि दोनों की कुछ महीनों के भीतर मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न: रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ARK अग्रवाल, बी अजय नागर, सी परसोत्तम रूपाला, डी विनय कुमार। आंसर डी विनय कुमार। एक्सप्लेनेशन: विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत है। विनय कुमार 1992 बैच के IFS अधिकारी है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। अगला प्रश्न: चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहां किया गया? ए ताशकंद, बी शंघाई, सी नई दिल्ली, डी मास्को। आंसर सी नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन: शंघाई सहयोग संगठन ACO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बैठक में SCO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन साल 2001 में स्थापित एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भारत साल 2017 में इस संगठन का सदस्य बना था। अगला प्रश्न: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए अराव एग्रीटेक, बी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, सी क्रॉफॉर्म, डी एग्रीएक्स लैब। आंसर बी धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना है। इसके तहत धानुका एग्रीटेक छोटे किसानों को कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक TB वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? ए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बी स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी, सी वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग, डी बायोफेब्री। आंसर ए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTBVAC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। जल्दी ही यह सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पार करते हुए लोगों तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न: 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहां हुआ? ए बेंगलुरु कर्नाटक, बी पंचकुला हरियाणा, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी मुंबई महाराष्ट्र। आंसर बी
पंचकुला, हरियाणा। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो कि हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल इंडो स्टेडियम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी, इसका क्या नाम रखा गया था? ए सार्थक, बी अभय, सी अटल, डी शिव शक्ति। आंसर, डी शिव शक्ति। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। PM मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। अगला प्रश्न, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए जयपुर, बी मुंबई, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। आंसर, सी चंडीगढ़। एक्सप्लेनेशन, 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल CIFF का आयोजन 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आंसर, बी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन, हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता। लड़कियों के वर्ग के मौजूदा चैंपियन हरियाणा ने 64 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहकर खिताब का बचाव किया, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र क्रमशः 34 और 31 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? ए सी ट्रैक, बी सी इलेक्ट, सी सी रिपोर्ट, डी सी विजिल। आंसर, डी सी विजिल। एक्सप्लेनेशन, चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? ए एलोन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी जेफ बेजोस, डी बर्नार्ड अर्नोल्ड। आंसर, ए एलोन मस्क। एक्सप्लेनेशन, एलोन मस्क ने 231 बिलियन अमरीकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया, उसके बाद जेफ बेजोस और बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं। वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न, कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया? ए टोक्यो, बी मुंबई, सी सियोल, डी शंघाई। आंसर, बी मुंबई। एक्सप्लेनेशन, मुंबई पहली बार एशिया अरबपति की राजधानी बना है। हुरुन रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग में अरबपति की संख्या 91 है और मुंबई में अरबपति की संख्या 92 है। विश्व स्तर पर न्यूयॉर्क 119 बिलियनर के साथ पहले और लंदन में 97 बिलियनर अरबपति के साथ दूसरे तथा 92 अरबपति की संख्या के साथ भारत तीसरे पायदान पर आता है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में बाल्टीमो मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? ए तेज हवाएं, बी संरचनात्मक विफलता, सी मालवाहक जहाज की टक्कर, डी भूकंप। आंसर, सी मालवाहक जहाज की टक्कर। एक्सप्लेनेशन, 26 मार्च 2024 को बाल्टीमो अमेरिका में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पटिप्सको नदी में गिर गया, जिसके कारण मैरीलैंड के बाल्टीमो में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। अगला प्रश्न, दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ए विश्वास, बी सक्षम, सी शिखर, डी दृष्टि। आंसर, बी सक्षम। एक्सप्लेनेशन, निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग जन घर से मतदान कर सकते हैं। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी सनराइजर्स हैदराबाद, डी मुंबई इंडियंस। आंसर, सी सनराइजर्स हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, IPL इतिहास के सबसे बड़े टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है।
सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 पर 3 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। इससे पहले आरसीबी ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 पर 5 का स्कोर बनाया था। अगला प्रश्न, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? ए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। आंसर, डी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। ये सड़क अब मनाली लेह और श्रीनगर लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग या जांस्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ए सऊदी अरब, बी बहरीन, सी आर्मेनिया, डी कतर। आंसर, ए सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अल्ताहतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होंगी। अल्ताहतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। अगला प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, बी भारतीय जीवन बीमा निगम, सी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, डी बजाज फाइनेंस। आंसर, बी भारतीय जीवन बीमा निगम। एक्सप्लेनेशन, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि LIC की ब्रांड वैल्यू 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स को 88.3 और संबद्ध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर, बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जचेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान ये शिलालेख मिला। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? ए यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव, बी यीशु के जन्म का उत्सव, सी अंतिम भोज का पालन, डी पुनरुत्थान की मान्यता। आंसर, ए यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव। एक्सप्लेनेशन, 29 मार्च 2024 को मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे ईसाई कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को चिन्हित करता है और इसकी विशेषता गंभीर चर्च सेवाएं, उपवास और चिंतन है। दुनिया भर में ईसाई इस दिन को श्रद्धापूर्वक मनाते हैं, ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने को याद करते हैं। अगला प्रश्न, तेजस MK-1A की हालिया पहली उड़ान का क्या महत्व है? ए इसने सुपरसोनिक यात्रा की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया, बी ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, सी इसने एक नई स्टील्थ तकनीक का प्रदर्शन किया, डी इसने ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। आंसर, बी ये स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। एक्सप्लेनेशन, 28 मार्च 2024 को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा से अपनी पहली उड़ान भरी। तेजस MK-1A में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध और संचार प्रणाली, अतिरिक्त युद्ध क्षमता और बेहतर रखरखाव की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न, अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? ए मोइन खान, बी नितिन मेनन, सी हबीबुल बाशर, डी शफुद्दौला इब्ने शाहिद। आंसर, डी शफुद्दौला इब्ने शाहिद। एक्सप्लेनेशन, बांग्लादेश के शफुद्दौला इब्ने शाहिद हाल ही में अंपायरों के ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए केन्या, बी इटली, सी मेक्सिको, डी जापान। आंसर, सी मेक्सिको। एक्सप्लेनेशन, मेक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पॉपोकैटेपिटल ज्वालामुखी में पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए।
पॉपोकेटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? ए शिव कुमार सिन्हा, बी आदित्य गांगुली, सी टी राजकुमारन, डी पवन दावुनुरी। आंसर डी पवन दावुनुरी। एक्सप्लेनेशन, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के स्नातक पवन दावुनुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दावुलुरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पारखिन का स्थान लिया है। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ए मोरारजी देसाई और VP सिंह, बी चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, सी राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, डी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। आंसर बी चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। एक्सप्लेनेशन, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अगला प्रश्न, गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, पूर्व गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मौत से विवाद खड़ा हो गया है और बेईमानी के आरोप लगे हैं। अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ से 5 बार विधायक रहे। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? ए अरब सागर, बी दक्षिण चीन सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी हिंद महासागर। आंसर ए अरब सागर। एक्सप्लेनेशन, 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 12 घंटे का सफल ऑपरेशन चलाकर हाईजैक किए गए ईरानी पकड़ने वाले जहाज अलकम्बर 786 और उसके 23 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को सुरक्षित सोमाली समुद्री डाकुओं से बचा लिया। अगला प्रश्न, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? ए स्टीव स्मिथ, बी हैरी ब्रुक, सी अभिषेक शर्मा, डी केशव महाराज। आंसर डी केशव महाराज। एक्सप्लेनेशन, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज को टीम में शामिल किया है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने भी चोटिल मुजीब और रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा ऑफ स्पिनर अल्लाह गजनफर को टीम में शामिल किया है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, बी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी, सी जस्टिस अनूप कुमार सिन्हा, डी जस्टिस रमेश मिश्रा। आंसर बी जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी। एक्सप्लेनेशन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 16 हो गई है।